मीडिया में एंकर की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि वह अपने शो या डिबेट के जरिए देश के मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते में अपने डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है ईवीएम? दूसरा, हाई वोल्टेज वोटिंग ने किसकी नींद उड़ा दी? तीसरा, नंदीग्राम की प्रयोगशाला में ममता का आखिरी दांव? चौथा, क्यों विपक्ष का आखिरी चेहरा है ममता? पांचवा, क्या जंगल महल ने बंगाल में सत्ता की नई लकीर खींच दी? देश में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और चुनावों में सबसे बड़ा रोल अदा करता है ईवीएम। इस मुद्दे पर कुछ जानकारी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपनी वीडियो के जरिए दी और कुछ सवाल भी उठाए। तो दरअसल भारत के भीतर ईवीएम को लेकर शोर कोई आज से नहीं मचा है। 2009 में पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी ने यह सवाल खड़ा किया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि दरअसल यह होलसेल फ्रॉड सिस्टम है। और उसके बाद बीजेपी के ही जीवीएल नरसिम्हन है, उन्होंने किताब लिख डाली। उस किताब के शब्द जो उन्होंने 2010 में लिखे थे, उसके शब्द बहुत साफ हैं, मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया, या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले जो कभी डाले ही नहीं गए। ये बीजेपी के नेता की किताब का वह अंश है जो ये बताने के लिए काफी है कि बीते 10 बरस के भीतर इस देश के भीतर में जितने भी चुनाव हुए उसमें संदेह की सुई बार बार ईवीएम की दिशा में क्यों गई। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? दूसरा, चुनाव के चलते ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस? तीसरा, नए कृषि कानूनों से किसानों की आय दोगुनी होगी? चौथा, अब की बार किसान कैसे मना रहे हैं होली? होलिका दहन में आज क्या जलाएंगे किसान? पांचवा, रात में लॉकडाउन, दिन में नहीं होता कोरोना? संदीप चौधरी भी अक्सर देश में जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। इस बार उन्होंने कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर चिंता जाहिर की। पिछले साल हमने जान और जहान की बहुत बातें की। जब कोरोना का संक्रमण फैलने लगा, देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। पिछले साल मार्च में 24 तारीख से लॉकडाउन लगा था, 25 से वो इफेक्टिव हुआ था। और तब ये बहुत सवाल उठे थे, जान बचाना जरूरी है कि जहान बचाना जरूरी? सरकार ने फैसला किया जान बचाना जरूरी है और इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन ये कोरोना की दूसरी लहर जो है, ये फिर से डराने लगी है। आंकड़े खुद बता रहे हैं, हम लकीर के फकीर बन जाते हैं कुछ चीजों में कि शाम को हम कर्फ्यू लगा देंगे, मतलब शाम को ही निकलता है ये वायरस, दिन में नहीं निकलता। अब बात गोदी मीडिया के कुछ एंकरों की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के सीनियर पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, ममता दीदी के दिल में बंगाल बसता है या बांग्लादेशी घुसपैठी है? दूसरा, क्या नंदीग्राम में पलट गया खेला? तीसरा, परम चाल, किसने रचा वसूली का माया जाल? चौथा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है? पांचवा, वाजे आरोपी, काजी गवाही के लिए राजी, तीसरे की बारी कब आएगी? अर्नब ने कई मुद्दों पर अपनी डिबेट में चर्चा की, लेकिन ज्यादातर उन्होंने बंगाल चुनाव से जुड़े मुद्दों पर डिबेट की और सवाल वे ममता बनर्जी पर उठा रहे हैं। देखते हैं क्या वे भाजपा पर भी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं या नहीं। अरे बाबा, 80% से ज्यादा मतदान दीदी टेंशन, जनता ने खुलकर मतदान किया, पर आज पूरे दिन नंदीग्राम का रण कुरुक्षेत्र का मैदान बना रहा। नंदीग्राम में जमकर तांडव हुआ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पोलिंग बूथ के अंदर गई और बाहर हंगामा हो गया। ममता ने पोलिंग बूथ से ही आज राज्यपाल को फोन लगा दिया, उनसे शिकायत। राज्यपाल ने भी भरोसा दिया कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा। ममता जी अब टेंशन भी क्यों करती है? मगर ममता जी बहुत टेंशन में है दोस्तों। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री पोलिंग बूथ पर पहुंची हो और बाहर हंगामा शुरू हो गया।
अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, ईवीएम पर खेला, लोकतंत्र पर चोट, नियत में किसकी खोट। दूसरा, बंगाल में मतदान हिंसा और घमासान, तृणमूल का फूल नहीं शूल। तीसरा, चिट्ठी वाले गठबंधन से बचेगा दीदी का किला, सियासत का गोत्रावतार। चौथा, मौत पर सियासी खेला, नंदीग्राम का रण, जय श्री राम का प्रण। पांचवा, जीत का सपना सच कर पाएगी भाजपा या दीदी की सत्ता रहेगी बरकरार। अमीश की डिबेट्स अक्सर विपक्ष पर निशाना साधती होती हैं। इस पर उन्होंने अपने डिबेट में ईवीएम का मुद्दा उठाया। देखते हैं वे किसकी आलोचना कर रहे हैं, भाजपा सरकार की या विपक्षी पार्टियों की। लोकतंत्र के लिए हानिकारक बातों का विश्लेषण। पॉइंट नंबर वन, किसी प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम का मिलना बेहद गंभीर मुद्दा है, वो भी बीजेपी का प्रत्याशी अगर हो तो वाकई गंभीर मुद्दा है। मैं बढ़ता हूं आगे, ऐसी हरकतों से चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगता है, धक्का लगता है। क्या किसी अधिकारी की गलती को पूरे सिस्टम पर थोपना सही है, ये सवाल मैं उठाता हूं। जिन अधिकारियों से ने गलती की उन्हें सजा दी जा चुकी है और रिपोर्ट भी आ चुकी है। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है मैं आपको बताता हूं। जब आप याद करिए रफेल का वो दौर, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उससे पहले खड़े हुए, राम मंदिर का फैसला आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल बार बार खड़े करे गए, मीडिया पर सवाल खड़े करे जाते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे, चुनाव आयोग जैसी संस्था को राजनीतिक बताना किस हद तक जायज है, इसका भी आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपने दोनों तरह के मीडिया को देखा कि कौन किस तरह के मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। अब आगे ये आपको तय करना है कि आपको किस तरह का मीडिया देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।